नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 150 मुर्गियों के लिए कम खर्च में एक दाना तैयार करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस दाना को तैयार करने के लिए मैं इस मग के 4 मग स्टेटर फीड ले रहा हूँ। मैंने इस मग के 4 मग स्टेटर फीड ले लिया है। अब मैं इस मग के 4 मग राइस पॉलिश ले रहा हूं। मैंने राइस पॉलिश भी ले लिया है। अब मैं इस्तेमाल करूंगा चापोड़। मैंने इस मग के 2 मग चापोड़ भी ले लिया है। अब मैं यहाँ सहजन के पत्ते इस्तेमाल करने वाला हूँ। सहजन के पत्ते मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि सहजन के पत्तों में बहुत सारे विटामिन और मिनरल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैंने सहजन के पत्ते ले लिया है। अब मैं इस्तेमाल करूंगा मल्टीस्टर। मल्टीस्टर अगर हम यहाँ मिला देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि मल्टीस्टर में भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन H, विटामिन C, कैल्शियम। ये कितने मात्रा में मुर्गियों को देना चाहिए वो यहाँ लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप लोग ये दाना में मिला के मुर्गियों को दे सकते हैं। मैंने मल्टीस्टर भी यहाँ मिला दिया है। अब मैं थोड़ी मात्रा में पानी का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। पानी हमें ज्यादा नहीं लेना है। अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से बराबर मिलाना है। पानी हमें उतना ही लेना चाहिए जितने पानी में दाना इस तरीके का होता है। देखिए साथियों, आप लोग अगर चाहे तो यहाँ और भी कुछ चीजें मिला सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ धान का मल भी मिला सकते हैं। आप लोगों के घर में जो भी वेस्टेज होता है वो भी आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। पत्ते गोभी आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। हरे सब्जियों के पत्ते आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। केले के पत्ते आप लोग यहाँ मिला सकते हैं और इसके साथ साथ केले के पेड़ का जो नीचे का भाग होता है उसे भी आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को छोटे टुकड़ों में काटना है और इस दाना में मिलाना है और इन सभी चीजों को मिला के अगर आप लोग ये दाना बनाते हैं तो ये दाना और भी बेहतरीन हो जाता है। ये दाना अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं ये मुर्गियों को देने वाला हूँ, तो चलिए अब हम इसे मुर्गियों को देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये दाना देने के साथ साथ ये मुर्गियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से और फटाफट ये दाना खा रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो उन मुर्गियों को सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाने के बजाय आप लोग कम मात्रा में कमर्शियल फीड का इस्तेमाल करके और बाकी चीज़ जो हमें फ्री में मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप लोग कम से कम खर्च में ये दाना तैयार कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिला के अगर आप लोग ये दाना मुर्गियों को देते हैं तो ये दाना मुर्गियों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप लोग अगर मुर्गियों को सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो आप लोगों का खर्चा ज्यादा हो जाता है जिसके कारण मुनाफा कम होता है, पर अगर आप लोग कमर्शियल फीड का इस्तेमाल कम करके बाकी चीज जो हमें फ्री में मिलता है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इसी तरीके से कम खर्च में दाना तैयार करके मुर्गियों को खिलाते हैं तब आप लोगों का खर्चा भी कम होता है और मुनाफा ज्यादा होता है।
पर आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान देना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक दिन के चूजों को ये दाना नहीं देना है। अगर आप लोग एक दिन के 100 चूजे लाते हैं तो उन्हें मिनिमम एक बैग प्री स्टेटर दाना जरूर खिलाइए और वो खत्म होने के बाद आप लोग ये दाना उन्हें दे सकते हैं। देखिए साथियों, खासकर अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को अगर हम ज्यादा दाम वाला कमर्शियल फीड खिलाकर तैयार करते हैं तब हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। उन्हें पहले अवस्था में कम से कम खर्च में तैयार करना होता है और जब वो अंडे पे आते हैं तभी हमें उन्हें अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाना होता है। कम से कम खर्च मतलब ऐसा भी नहीं कि मुर्गियों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आप लोग उन्हें नहीं देंगे। देखिए, मुर्गियों के सिर्फ फीड का खर्च कम करना है, मुर्गियों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आप लोगों को उन्हें देना ही है, पर कम से कम खर्च में देना है। ऐसे बहुत सारे चीजें फ्री में अवेलेबल होते हैं जिसे अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो उन्हें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि मुर्गियों को जो भी प्रोटीन चाहिए उसके लिए आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो वो वहां से कीड़े मकोड़े खाते हैं और कीड़े मकोड़े से उन्हें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा आप लोग उन्हें सहजन के पत्ते भी दे सकते हैं, सहजन के पत्तों से भी उन्हें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा सहजन के पत्तों में बहुत सारे विटामिन और मिनरल अवेलेबल होते हैं जो उनके विटामिन की कमी पूरी करता है। और इसके अलावा आप लोग उन्हें अगर हरे सब्जियों के पत्ते देते हैं तो हरे सब्जियों के पत्तों से भी बहुत सारे पोषक तत्व उन्हें मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि कितने दिनों के बाद मुर्गियों को बाहर छोड़ना है। देखिए, अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो उन्हें मिनिमम 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर कमर्शियल फीड खिलाकर पालिए और 45 दिन के बाद उन्हें बाहर छोड़िए। देखिए, अगर आप लोग छोटे चूजों को बाहर छोड़ते हैं तो सबसे पहले तो कौवा और चील चूजों को उठा लेता है और दूसरी बात यह है कि बड़े मुर्गी जो होते हैं वो छोटे चूजे के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। और इसके अलावा कोई भी बीमार छोटे चूजों को बड़ी आसानी से अटैक कर लेते हैं और उन्हें अगर आप लोग बाहर छोड़ते हैं तो कोई भी बीमार चूजों के ऊपर अटैक कर लेते हैं और वो सहन नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से भी बहुत सारे चूजे मर जाते हैं। और 45 दिन के बाद अगर आप लोग उन्हें बाहर छोड़ते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं जिसके कारण इन दिक्कतों के सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता है। देखिए साथियों, अगर हम मुर्गियों को घर में ही दाना बना के खिलाते हैं तब हमारा मुनाफा ज़्यादा होता है। और मुर्गियों के लिए किस तरीके से फ्री में हाई प्रोटीन, हाई विटामिन और हाई कैल्शियम वाला दाना बनाया जाता है उसके बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो ज़रूर देखिए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।